por el año que tuve un buen número. ¿En serio? सर गिव अस योर फीलिंग अबाउट केडब्ल्यूसी, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा, ये हिंदी में अंग्रेजी में क्या? हिंदी 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 लगे बगल ही बोल रहे हैं सर, इंग्लिश दे दीजिए. व्हाटएवर यू से इज कॉपी. देखो देखो, कैरियोके बहुत लोग इसको खड़ा होके भी कहते हैं, बट खड़ा होके चैंपियनशिप, वर्ल्ड खड़ा होके चैंपियनशिप, मुझे पर्सनली कैरियोके से बहुत लगाव है और बहुत सालों से कॉलेज के बाद भी, तो इसीलिए मैंने इसमें इतनी दिलचस्पी. सावियो दोस्त भी है और ये चैम्पियनशिप जो है मेरे लिए कैरियोकी ही सबसे बड़ा जो कहते हैं इंसेंटिव, इसलिए मैं यहाँ पे आके एज अ पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ जजेस बना हूँ. सो एंड इट्स ग्रेट फन, और इतनी बड़ी कैरियोकी की फॉलोइंग है और बढ़ रही है इस मुल्क में, और कई जो सिंगर्स होते हैं जो बड़े बड़े सो कॉल्ड टेलीविजन रियलिटी सिंगिंग शोज में नहीं जा पाते, तो ये एक छोटा मंच है जो बहुत बड़ा बन सकता है. फिलहाल शुरुआत है और अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स को यहाँ पर आने का मौका मिलता है और देश भर के स्टेट से. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इवेंट एंड मुझे यकीन है कि ये इन द फ्यूचर बहुत एक बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट बन जाएगा. शुड माय बेस्ट विशेस. और कुछ नहीं, आप लोग कुछ ना, आप लोग माइक लिए खड़े हो. आपको मैंने वही पूरा आपको बोला कि कैरियोके का देखिए हिंदुस्तान में आप सब गाते हैं, मतलब बाथरूम से लेके मतलब हर जगह, शावर में गाते हैं, हर जगह तो गाता है इंसान, पैदा होता है मरता है हिंदुस्तानी गाता ही है. गाता रहे मेरा दिल, कोई और भरेगा बिल, बट यू नो इट्स तो ये एक उस चीज़ जो हर एक जो हिंदुस्तानी है जो गाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, अंकल आंटी, कोई गांव का हो, बड़े शहर का हो, तो ये एक माध्यम है एंड आई थिंक बहुत प्यारा सा माध्यम है एंड इट्स कॉट ऑन, इट्स कैचिंग ऑन. आपने जैसे अभी कहा था कॉलेज में आप कैरियोके का पार्ट कर रहे थे, तो कौन सा सॉन्ग आपके लिए एकदम बेस्ट था, एकदम खास था कैरियोके का कुछ यार? मैं जो है वो मतलब आरडी बर्मन के गाने या किशोर दा के जो मस्ती वाले गाने या मुकेश साहब के जो दिल सैड टाइप के गाने तो काफ़ी तो पूरा मेरा जोकर का था, जैसे कि वो देखा ना है रे वो था एंड देन यम्मा यम्मा, तो ये सब जो उस वक्त तो पॉपुलर मेरी आवाज़ जो इस हिसाब से चलती है. आई एम नॉट अ सिंगर सिंगर सिंगर, बट ठीक है गा लेते हैं. अभी कैरियोके होगा तो बजाएंगे ना, कहाँ से कैरियोके आएगा तो गाएंगे, बट कॉम्पिटिशन के दिन कुछ ना कुछ करेंगे, मस्ती करेंगे. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोगों को भी मज़ा आता होगा, अभी बढ़ रहा है. केडब्ल्यूसी से आप पहले भी जुड़े हो, तो इस साल के कंटेस्टेंट्स के कोई एडवाइस है? एडवाइस कुछ नहीं यार, सब गाते हैं, सब समझते हैं, सब टेलीविजन भी देख चुके हैं, वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म, इंटरनेट ये सब चीज़ों की वजह से सब ट्रेनिंग भी आजकल हर चीज़ लोग इंटरनेट पे सीख रहे हैं, गाना भी सीख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं. मेरा बेटा कीबोर्ड बैठे हुए इंटरनेट पे सीखा. सो आई थिंक एडवाइस की किसी को ज़रूरत है नहीं, जो गुरु होते हैं मेन, जो बड़े बड़े जो होते हैं उनसे कुछ जो होती है कि किस तरह से आवाज़ को संभालना, पकड़ना, सुर को में जो भी, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो तो उनके गुरु ही देंगे. और ये है कि इट्स अ फन थिंग, ये बहुत ही फन ओरिएंटेड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑफकोर्स सीरियसनेस ऑफ सिंगिंग है, सुर और ताल की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऑन दी होल इट्स अ फन, वेरी लाइट वेट, कोई इंटिमिडेटिंग नहीं है, बहुत सारे पब्लिक बैठी है, जजेस बैठे हैं, एकदम
इट्स अ फन प्लेटफॉर्म. तो जो पार्टिसिपेंट है ना बहुत रिलैक्स सा रहता है, इट्स लाइक अपने दोस्तों के सामने कुछ गा रहा है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस. आपने बूगी वूगी शो भी किया था, कैन यू रिलेट दिस शो विद दैट? नहीं नहीं, वो एक अलग चीज थी. बूगी वाज अ नेशनल प्लेटफॉर्म ऑन अ टेलीविजन शो, उसका एक क्लिप. दिस इज नाउ कमिंग अप. ये एक मोर इंटीमेट है, 500-400 लोग बैठते हैं, फाइनल्स वहाँ पे होता है. इट्स नॉट लाइक स्टेडियम में कुछ बहुत बड़ा फाइनल हो रहा है, बट इट कैन गो देयर. ये शुरुआत है. और कैरियोके का मतलब वो है नहीं, कैरियोके का मतलब ही ऐसा है कि छोटे एक बहुत ही इंटीमेट एटमोसफियर में आप, जहाँ कंटेस्टेंट को लगे नहीं कि यार मैं हज़ारों लोगों के बैठा हूँ और जज किया जा रहा हूँ, टीवी कैमरे देख रहे हैं. इट्स अ फन एटमोसफियर. कैरियोके का मतलब ही वो है. तो इसको इससे बड़ा करने जाएंगे तो फिर वो कैरियोके का जो एसेंस है वो निकल जाएगा. देखिए यार, हम लाए थे, 17 साल चला है ओरिजिनल शो. उससे पहले तो अमेरिका में भी शो नहीं था ऐसा. ये सोचते थे इंडियन डांस और डांस ये वो वगैरह, वो तो सब बाद में है. हमारा शो तो उससे बहुत पहले. सो आई होप कुछ ना कुछ हो सकेगा. मतलब हम तो बहुत, हमारा बहुत लगाव है. अच्छे सिंगर है, टैपी सॉन्ग्स और फनी सॉन्ग्स हमेशा से आपसे जुड़ा हुआ है. हम चाहते हैं कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे भी आप कुछ आज गुनगुना दें. नहीं तो भी मैंने वही यू नो कि जो कैरियोके होता है कि आप पॉपुलर गाने जो होते हैं उसके ऊपर बैक ट्रैक बजता है और उसके ऊपर आपको गाना. अभी फिलहाल तुम आवाज देख रहे हो मेरी, मैं चिल्ला रहा था बहुत. सो या बट आई थिंक ऑन द बी ऑफ द फाइनल थोड़ा करेंगे. अभी से अगर कुछ एक ऐसा ट्रैक हो जाए मुंबई वाला जो मुंबई में आज कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है, तो हम चाहते सर आप लोग गाने को डेडिकेट कर रहे हैं. मुंबई एकदम डेंजर प्लेस, वेयर यू सर्वाइव, यू गॉट द पेस, यू गॉट टू बी फास्ट, यू गॉट टू बी तेज, यू गॉट टू बी शाना टू विन द रेस. छोटा छोटा मैटर बने पुलिस केस, बड़ा बड़ा लफड़ा गुल विदाउट ट्रेस. ए घबराने का नहीं, गिव इट इन द फेस. क्या बोलता है, हां ऐसा फेस वैसा फेस. दिखे बहती गंगा पॉकेट से निकले गंगा, देख के वरना पंगा वरना हो जाएगा दंगा. सब पे पिला भला चंगा, समा भी मंगा, कैन नॉट जज एनी बडी सर फॉर लपंगा. भाई गिरी को छोड़ सा बकवास, भाई का अंडर जो रहता बिंदास, भाई को जाएगा त्रास, होएगा वो खलास, भाएगा उसका ब्लड जस्ट लाइक टमाटो सास. बहुत ही ओके, थैंक यू. जानना पसंद है. She's the only guy who got the line there. Come close. Charming ladies.
और अभी कम किया ऑन दिस साइड अरे कम सालों से कम है मुझे पास में चल इसके साथ के रहते हो मैं कम इन द सेंटर ओके सी यू अलग अलग That's it. फ्लैश नहीं लगता ना सर अरे इतना सेंसिटिव हो गया Thank you so much, Mario. Good evening, ladies and gentlemen. We've commenced this year with a beautiful run in seven cities. Karate World Championship has visited Mumbai, Pune, Delhi, Bangalore, Calcutta, Chennai, Chandigarh, and Goa. So we've got all the winners coming in from these cities, and the India finale is going to be judged by Mr. Leslie Lewis, Mr. Javed Jafri, Mudassir Ali. And we have a few other renowned judges who are going to be joining us on the panel. It's an absolute honor for us, for Karate World Championship India to be associated. And, you know, we've had our honorable judges who not been here just for the first year, but they've been here before. And I'd like to hand over the mic to them to share their past experience and what they're expecting out of 2016. Thank you, Savio. I'm really, really happy to be part of this. I've been part of this before, and I think the beautiful thing about it is that I get to actually experience so much talent that is there in not just the city, but all over the country. And not only are they talented, you can see that they got that buzz to go and become the next big thing. And I think when I started off, a lot of people supported me. You know, the ones that supported me, and that's why I'm here. And I think that in my own way, if I can support, you know, this young talent, and I'm sure they're going to go somewhere else. So, yeah, I'm looking forward, and it's going to be quite awesome. Javed, you want to say something? No, I didn't say anything. Yeah, you said what you said. Javed has judged in 2012 as well. Yeah. Like the buzz ki baat hai, buzz driver ban jayenge. बट हाँ जैसे इन्होंने कहा ये एक बहुत अच्छा एक मंच है एक माध्यम है बिकॉज कैरियोकी की खासियत जो होती है इट्स वेरी कैजुअल एटमोसफियर इट्स नॉट इंटिमिडेटिंग कि भाई इतने हज़ार लोग हैं जजेस हैं टीवी कैमराज हैं तो यहाँ पर क्या ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ गा रहे हैं तो वो जो एक परफॉर्मेंस लेवल होता है इट्स वेरी कैजुअल एंड रिलैक्स जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो ये एक खास बात होती है कैरियोकी की एंड आई फील इज ऑफकोर्स अमेजिंग टैलेंट अभी गुरु म्यूजिक के ये लोग हैं और ये फैंटास्टिक गाने वाले मैं तो तो लेकिन ये एक इज अ फन बेस्ड प्लेटफॉर्म व्हिच इज व्हाट आई रियली एंजॉय यू नो इट्स अ वेरी आई लाइक द कैजुअलनेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म सो आई थिंक इट्स गोइंग टू ग्रो एंड आई विश रावी ऑल द बेस्ट एंड ही हैज गॉट अ गुड थिंग गोइंग एंड आई थिंक दिस विल रियली इट कुड मेक इट टू अ रियली मेगा इवेंट दिस इज अ बिगिनिंग एंड द सीन इज बीइंग सोन एंड water it and do the bus driving. Yes. I think the ones that win and when they go abroad to compete, I think that's amazing for them to yeah. go to the next level. And I think that the entire platform that they have, KWC, is... Platform yes. number 4 se jane wali gari. Haan, mata. Kuch kya bolo? Ga ki bata. Ek sir ka favorite gana jo bhi bol rahe the, unka gana. देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशानी पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान डोले 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 रे डोले 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 रे डोले डोले डोले
घर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों का Thank you so much, ladies and gentlemen, and we will see you on the 25th Sunday at Tap Ju for the Karaoke World Championship India Finale, brought to you by VH1 and the Blind Man Foundation. Thank you so much. Yes, वो आपने सही बोला वो सही बोला आपने गाते अच्छा उनको आदत नहीं है अभी थोड़े देर के बाद क्या करेंगे तो आदत हो जाएगी सर ट्रेडमार्क सर ऐसा लगता है बड़ा सादा लग रहा है ओके रोल रोल उसके ऊपर रखें हाँ रोल क्या कहना चाहेंगे केडब्ल्यूसी के बारे में और किस तरीके से एक तो कहूँगा कि केडब्ल्यूसी जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो नया टैलेंट जो है उनको एक चांस मिलता है कि अपना कला क्या है वो प्रेजेंट करें और दो तीन साल मैं उनके साथ हूँ तो मैंने देखा है कि कैसे हर वर्ष कोई नया टैलेंट और बेटर टैलेंट आ रहा है तो मतलब इंडिया में बहुत टैलेंट है और केडब्ल्यूसी से मुझे लगता है कि उनको एक जो चांस मिलता है कि लोगों के सामने आए और अगर जीते तो ये अपने देश के लिए जीते देश उसके लिए वो इंटरनेशनल भी जा सकते हैं जाते हैं और मैं सबको ऑल द बेस्ट ही विश करता हूँ और उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ मोस्ट टैलेंट शोज आर अबाउट नॉट ऑलवेज अबाउट द सिंगर इट्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड आई थिंक KWC is about getting the best singer in the front and giving them that chance because it's not so much about you know aapko ab ye number pe message kijiye it's none of that it's judged by a jury of people who are in the business so it is not judged by the audience matlab jaise tv pe hota hai ki aap vote kijiye aur vote karne pe vote se tum aayenge to unko milta hai तो पहले जो रियलिटी शोज होते थे वहाँ जजेस बैठ के खुद वोट करते थे अब वो नहीं होता है तो जजेस बैठते हैं ऑडियंस को हेल्प करते हैं कि किसको वोट करें नहीं करें बट वो ऑडियंस ही आता है और जितने ज़्यादा वोट आते हैं इट्स ऑल गॉट टू डू विद यू नो इट्स अ डिफरेंट सिस्टम यहाँ डायरेक्टली हम जो वोट करते हैं वो जीतते हैं तो आई थिंक इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द जजेस मैं तो पहले देखता हूँ कि उनकी एक कॉन्फिडेंस क्या है स्टेज पे क्यों परफॉर्म करना है परफॉर्म सिर्फ गाना नहीं होता है गाना गाना अलग बात होता है परफॉर्मेंस करना उसके ज़्यादा और कुछ है लेकिन गाना अच्छा होना चाहिए तो एक तो सिंगिंग की बात है सेकेंडली बहुत से लोग आके जो नॉर्मल वॉइसेस होते हैं जो जैसे कि बहुत चल रहा है तो अभी आजकल जैसे सूफी चल रहा है तो सब सूफी का हो सके आपका वॉइस सूफी के लिए सूट नहीं होता है तो मेरा कहना है कि सूफी मत गाओ हो सके आप कवाली गाते कवाल उस टाइप का है कवाली छोड़ो तो आसपास ही है लेकिन हो सके कोई फोक टाइप का आपका वॉइस हो तो उस टाइप का गाना गाओ ताकि आपकी जो खूबी है वो बाहर आए तो वो देखता हूँ कि
कोई जो कौन सा टाइप का गाना उसने चूज़ किया कि अपने वॉइस को सूट होता है या नहीं, और अपनी वॉइस जो भी हो, खराश हो वॉइस में, आजकल सब अच्छा लगता है तो ओके है, बस अच्छा गाओ, दिल से गाओ। तो एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन की स्टेज पे आए तो आप एक ही जगह ऐसे खड़े रहेंगे, 5 मिनट गा रहे हैं, 6 मिनट गा रहे, तो बोरिंग हो जाता है, तो आपको कुछ परफॉर्म करना है कि ऑडियंस को एंगेज करो, तो आई थिंक वो भी मैं देखता हूँ। क्विक सॉन्ग अच्छा, यू कैन सिंग सनी द पावर विद मी, something about the way you smile, but you may never know the reason why, sunny da pamaga magarisa, something about the way you smile, you may never know the reason why, sunny da pamaga magarisa. Thank you.